किसी ने कलंक और श्याम का निकाला है, रौप्य पात्र में हलाहल का विष ने अधिकारी ने ब्रजेश को संभाला है, और मेरी जान में तो यह विष धर प्याला नहीं, श्याम रूप वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रूप वाला मेरा गिरधर गोपाला है। मेरा जाए तो विष है ही नहीं, क्या है ये? कहा जैसे गोरी गोरी राधिका के हृदय में हमारे सांवले सितार विराजमान होते हैं, वैसे ही पात्र में ये काला काला विष नजर आ रहा है। और तुरंत कहती है विष से कि तूने किया कंठ नाम शंकर का, मेरे तन में पैदा प्रेम की निशानी कर, तुझसे हुई है प्रहलाद की प्रसिद्ध कीर्ति, मेरी भी उपासना में अटल कहानी कर। ए रे विश्व बिंदु पुतना सी राक्षसी से तुझे छीन ही लिया, गोविंद ने भी मान मानी कर, और प्रभु और प्रभु प्रेमियों के प्यारे पाहुने तू, स्वीकार मेरे मुख की भी मेहमानी कर, स्वीकार मेरे मुख की भी मेहमानी कर। कहते हैं कि तूने ही किया है नीलकंठ नाम शंकर का, तेरा पान भगवान शिव कर गए तो सारा संसार उन्हें नीलकंठ के नाम से जानने लगा, मेरे तन में भी पैदा प्रेम की निशानी कर। कहते हैं तुझसे हुई प्रहलाद प्रसिद्ध कीर्ति, तेरा पान प्रहलाद ने किया तो संसार में उनकी प्रसिद्ध की कीर्ति का गान आज तक लोग करते हैं। कहती हैं कि प्रभु का तू कितना प्यारा है, कि स्तनों में विष लगा करके आए, जो कहती है छोड़ दे फिर भी हमारे बाके बिहारी लाल नहीं छोड़ते, वो उस विष को चूसने लगते हैं। तो कहती हैं कि प्रभु और प्रभु प्रेमियों के प्यारे पाहुने तो तू, प्रभु का भी प्यारा है, प्रभु के भक्तों की का भी प्यारा है, और आज ये मीरा धन्य हो गई तुझे पाकर के, मीरा के मुख की आओ भगत को स्वीकार कर और विष का पान कर जाती है। विष कुछ नहीं बिगाड़ता बागे बिहारी का नाम लेकर के, बोलिए बागे बिहारी लाल की जय। और विष प्रहलाद जी के पास, विष को उठाया प्रहलाद जी ने, माँ से पूछा भी नहीं, माँ मना करती है नहीं मत ले विष को उठाया और पी गए। माँ मूर्छा अवस्था में जांच लगाते हैं, नहीं माँ कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। नेत्र खोलती है, देखती है, चूमने लगती है प्रहलाद के माथे को, हृदय से लग लेती है, हिरण्यकशिपु देखता है, हाथ पकड़ता है और खींच के लेकर के जाता है, कहता है तुझे बड़ा अभिमान है ना अपने प्रभु पे, अपने विष्णु पे, दिखा तेरा विष्णु कहाँ है, आज मैं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा, मैं अपने हाथों से तुझे मारना चाहता था लेकिन तूने विवश कर दिया, अपने हाथ से तेरा वध करूंगा, बता अगर बुलाना है तो बुला ले अपने विष्णु को अपनी रक्षा करने के लिए, कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है, हर जगह है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, राजमहल में खड़े थे कहा स्तंभे में, कहा यहाँ भी है, गदा लेकर के आया, देखूं है कि नहीं है। प्रहलाद जी विचार करने लगे, कान लगाया तो अंदर से ठाकुर जी तो बैठे थे, क्रोध में कब मिले हिरण्यकशिपु, और बस राहत की आवाज ही प्रहलाद जी को विश्वास हो गया, नहीं मेरे ठाकुर ने लेकर के आया, और गदा से जैसे ही मारा, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे थे, धुआं से निकला और उसमें से साक्षात हमारे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु को पकड़ा और लेकर के गए, जाकर के बीच दरवाजे पर बैठ गए, अपने जांघों पर बैठाया हिरण्यकशिपु को और कहा बता ये दिन है कि रात है, न दिन था न रात था, ठीक यही वेला थी, सायंकालीन की वेला, कहा ये बता तू अंदर है कि बाहर है, न वो अंदर था न बाहर था, बीच चौकट पे बैठाया था, कहा बता कि 12 महीने में से कौन सा महीना है, शिव का वध करने के लिए 13वें महीने का निर्माण कर दिया, पुरुषोत्तम महीना बना दिया, का ही कौन सा महीना है। हिरण्यकशिपु ने कहा इस पे तो मैंने विचार ही नहीं किया, कहा बता आसमान में के है धरती में है, प्रभु के जांघों पे था, कहा क्या मैं नर हूँ या पशु हूँ, पूरा शरीर नर का और मुख जो है वो सिंह का था, इसलिए कहा गया नृसिंह। हिरण्यकशिपु था, प्रभु ने अपने नाखून निकाले,
कहा अस्त्र है कि शस्त्र है, कुछ बोलने ही वाला था। उसके सीने में प्रभु ने अपने नाखून फाड़ करके और स्वर्ग में फेंक दिया, क्योंकि सारे देवी देवता आतंकित थे, सब त्रस्त थे हिरण्यकशिपु से। सबने होली खेली, सब प्रभु की जय जयकार करने लगे। प्रभु तो अत्यंत क्रोधित थे, शांत कैसे। लोगों ने लक्ष्मण जी से कहा आप जाइए। उन्होंने कहा इस समय तो वो मेरी भी नहीं सुनेंगे। कहा फिर कहा प्रहलाद को भेज। प्रहलाद देखा प्रभु ने जब सामने गए तो लंबे लंबे जीत से प्रहलाद को चाटने प्रभु गोद में बिठाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे प्रभु, कहने लगे कि क्वेदम वपुहु क्वच वयः सुकुमार मे तत् प्रेमा प्रमत्त कृत दारुण यातनाते नालोकितं विश्वमेतद्भूत पूर्व क्षन्तव्यमङ्गयरि मे समये विलम्ब। कहा भोले प्रभु हरि प्रिय कोलितिहारि असुर ने मारी मम नाम एक गायनी गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने उर्दी लगाए लपटाए बार बार करुणा स्वरूप बने करुण दिखाए में और मंजुल मुखारि विंद कहे प्रभु क्षमा कर पुत्र मुझे देर भैयाने में क्षमा कर पुत्र मुझे देर भैयाने में। प्रभु ने कहा गिरते गिराए पुनः जल में डूबे तुम्हें अग्नि में जलाए किसी प्रकार की कमी नहीं रखी सताने में, लेकिन मैंने फिर भी नहीं मैं आ पाया। हाथ जोड़ के प्रभु प्रहलाद से क्षमा मांगे कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मैंने आने में बहुत देरी कर दी। प्रहलाद जी पूछते हैं क्या मेरे पिता नरक में जाएंगे। प्रभु को यहाँ दया आ जाती है, हंसी आ जाती है। प्रभु कहते हैं नहीं मूर्ख, तेरे पिता नरक में नहीं, कुल में यदि एक भगवान का भक्त हो जाता है तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं, और तू तो मेरा इतना बड़ा भक्त है जिसने मेरा दर्शन कर। प्रहलाद जी प्रभु का दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी का वंशज कैसे चलता है इसकी आगे की कथा पुनः कल स्मरण करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से भाव से कीर्तन करेंगे। और सबसे जरूरी बात कल क्या है? कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म है तो यहाँ लूटना भी है लुटाना भी है। सब लूटने नहीं आएंगे लुटाने नहीं आएंगे, हमें कुछ नहीं देना है, आपस में लुटाना है, आपस में ही लुटना है। जैसे अपने घर में लुटाते हैं ना, पुत्र की प्राप्ति होती है तो टॉफी लुटाते हैं, मिठाइयां लुटाते हैं, वैसे टॉफी ले लेके आ। यहाँ लुटाना लुटना और हो सके खरीदना नहीं है, संभव हो तो पीले वस्त्र पहन करके आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी के जन्मोत्सव के दिन बहुत धूमधाम यहाँ मस्ती करेंगे सभी लोग, ठाकुर जी का दिवस मनाया जाएगा और ठाकुर जी की झांकी भी निकलेगी, लोग झांकी का भी दर्शन करेंगे। तो बड़े प्रेम से भाव से दोबारा भगवान का नाम संकीर्तन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
Krishna, 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 Krish